कॉलर सेट। अदिति बैठी हुई आराम से कि क्या हो रहा है, मैं दिख क्यों नहीं रहा। अदिति मैं दिखूंगा। अमित जी क्या हाथ में क्या लिया हुआ है आपने? ब्लूटूथ लिया हुआ है, डंबल ले रखा, क्या ले रखा तिवारी साहब? क्या आपने अच्छा तो आपने मन्नत मांगी हुई, स्पीकर रखा हुआ अपने कान के पास? बहुत बढ़िया। अब मैं देखूंगा कि शो के अंत तक आपका इस तरह का हाथ रह पाएगा नहीं रह पाएगा। सो गिव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां हो जाए पहले, सब लोग ताली बजाते हैं दूसरे के लिए। यार अच्छे लोग तैयार हो के आयो, और अब शायद मैं आपको दिख रहा हूँ। मैं गुड टू सी ऑल। सुजय ने फटाफट फोटो खींच ली है, सुजय को लगा फोटो खींच लेते हैं इसी मौके पे, बाद में फोन में बैटरी बचे ना बचे। सुजय जी कोई दिक्कत नहीं है, आपने पीछे गिटार लगा रखा है, सच्ची बताओ कि इसको ओलेक्स पे कब बेच रहे हो? नहीं ऐसा है, कोई एक बंदा है जो पीछे पूरा ज्ञान बांट, ये गोनी जी हैं जो पीछे ज्ञान सारा देंगे अभी, ये लग रहा है मुझे। गोनी जी अगर आपके मन में जो आपके भाई को डिस्कस करना है, प्रॉपर्टी के कागजात किसके नाम पे होंगे, क्यों होंगे, जो भी डिस्कस करना है समरो, वो आप डिस्कस करिए, बिल्कुल डिस्कस कीजिए। ओ ठंड किसको लग रही है, ये कौन है बर्फ में बैठा हुआ? कौन है जो नहा रहा है बाथरूम में बैठ के? हो हरर गंगे। हम इंडियन इतने घटिया लोग है ना, मतलब डकार में भगवान का नाम लेते ओम। मतलब डकार भी वेस्ट नहीं जाने देते हम लोग, मतलब कितने बुरे लोग हैं हम, देख रहे हो आप? चले ठीक है, कोई बात नहीं। रितेश और कविता जी पूरा खाने पे फोकस है इनका, कि खाने में कोई कमी ना रह जाए। बिल्कुल देख रहे हो खाने में, मतलब देख रहे हो मुंह में खाना आ नहीं रहा है इन्होंने। यही कहते हैं आदमी कहीं चला जाना, इंडिया के बाहर भी रहेगा भाई। मैं आपके शो के लिए सुबह सुबह जल्दी उठे संडे को, ऊपर से ब्रेकफास्ट बनाया, और ये हस्बैंड मेरे अभी मैराथन दौड़ के आए हैं 10 किलोमीटर, तो फादर्स डे के उपलक्ष्य में उनके लिए मैंने स्पेशल नाश्ता भी बनाया, जलेबी पफ पोहा। कनाडा में कुछ नहीं मिलता है, हम यहाँ तो यहाँ बना है, अब भूख लग रही है। मुझे बताओ कविता जी, तो किसने कहा था कि डॉलर कमाने के लिए वहां पहुंच जाओ? हमने थोड़ी कहा था डॉलर पहुंचा, हाँ वो लेके आए ना आपको। हाँ देखा आप लोगों ने रोष ऐसा डाला जैसे हमने गलती करी, हमने भेजा था धक्का लगा के उनको प्लेन के पीछे, इनके प्लेन के ऊपर हमने बताशे फेंके हैं हमने, ऐसे ही कह रहे हो आप तो? हद ही हो गई यार आप तो। कविता जी आपने तो मतलब पूरी कविता सुना दिया आपने पति के ऊपर अपने। कोई बात नहीं, डॉक्टर स्वप्निल जी ये बता दीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन है, मैंने कौन 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 है बता दीजिए फटाफट। आपको अनम्यूट करना नहीं आ रहा। आपका हाथ बैठा नहीं है, सर्जरी में हाथ नहीं बैठा आपका, साफ लग नहीं रहा मुझे, हाथ साफ है आपका। सेकेंडरी रेमेडी में ये आपकी कलीग है और ये हमारे सीनियर आपको है। अच्छा वैसे कलीग पे हाथ रख के बताया आपने कि कलीग है, और लड़कियों कह रहे वो रहा वो लड़का तीसरा वो हमारा दोस्त है ऐसा। ये बहुत सही किया आपने। साथ में जो डॉक्टर साहिब है आप, डॉक्टर प्रिया, कोरोना टाइम में काम किया आप लोगों ने काफी जी। ग्रेट अंडर प्लॉस, इन लोगों ने काम किया यार काफी। हम लोग आराम से, कुछ लोग बस मैराथन रन करके कनाडा पहुंच के मुंह में ठूस रहे खाना, और बाकी देखो यहाँ पे कितने अच्छे लोग जो काम भी कर रहे थे। कोई बात नहीं, आपका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है सर, सू। सर पूरा नाम लिखना भूल गए या सू आया था एकदम से, आप एकदम सू लिख के छोड़ गए, क्या हुआ इसका नाम का? मेरी बीवी का नाम जो है वो यहाँ पे ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते ये लोग, तो हम तो पढ़ लेते सर, हमें क्या दिक्कत थी। लेकिन जूम की लॉगिन उसके नाम पे है ना, इसके लिए। अच्छा यू कैन चेंज नेम, क्या नाम है सर, आप नाम बता दीजिए, वी विल डेफिनेटली फिगर आउट। आई एम प्रशांत गांधी, शी इज शुचि मेहता। ओके और मैं सर, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं शो? वी आर इन यूएस। यूएस कैसे चल रहा है वहां? वहां तो कोरोना चला गया वहां पे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, हमारे भी नहीं है, बस हमारे मन में थोड़ा बहुत रह गया, बाकी तो हमारे भी नहीं है। जिस दिन लॉकडाउन खुला है समझ लीजिए, सुबह 12 बजे खुलने से लॉकडाउन खुला है, उसके बाद लड़कों ने बाइक रखी नहीं है घर में, अब वो निकल चुके हैं समाज के बंधनों से दूर, कह रहे बहुत रोक लिया समाज ने हमारे को। आधे लोग माउंटेन कॉलिंग करके निकल गए हिमाचल में, पूरी रोड जाम है। बेस्ट पार्ट इज कौन है जो जहाज छोड़ के चला गया? कौन था ये टेल स्पिन के ऊपर बल्लू बैठ के निकल गया, कौन था ये बल्लू? आयुष क्या था ये, फाट था क्या था ये? हेडफोन की प्रॉब्लम है,
एडवांस प्रॉब्लम। ओके ओके आयुष, प्रॉब्लम तो तुम्हारे साथ और भी हैं, बट हम अभी आज सिर्फ हेडफोन पे फोकस करेंगे आज। आप अपने आप को म्यूट रख लीजिए, जब भी आपके मन में कोई आए आप हमें मैसेज करना, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आयुष, आप आपको म्यूट रखना, बुरा मत मानिएगा, कहीं पे भी आपको लगे कि आपकी आवाज ठीक आ गई है या आपने हेडफोन दोस्त से मांग लिए हैं, चुरा लिए हैं, अमेज़न से डिलीवरी आ गई है, आप तुरंत हमें बताएं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बस दो दो रखे हुए हैं, चलते एक भी नहीं है। और कौन बचा? पंकज, पंकज और श्वेता जी क्या लगते हैं आप दोनों, दूसरे के थोड़ा बता दीजिए दोबारा से फटाफट। अच्छा हस्बैंड वाइफ, ओके हस्बैंड वाइफ है, और कितना टाइम हो गया शादी को आप दोनों की? आपको शादी के बाद पंकज की ऐसी कौन सी बात बताएगी जो आपको शादी से पहले नहीं पता थी? एनी हैबिट, एनी हैबिट? याद नहीं आ रहा। You are, I think you are still in love with him. I will ask this question later. Okay, okay. जैसे बताऊँ, सुची जी प्लीज, आप ही हैं, देखो आप ही हमारे यहाँ पे मार्गदर्शक हो, आप ही इनका फ्यूचर, पंकज श्वेता आपका फ्यूचर ऊपर बैठा हुआ है। हमारी हमारी शादी को 17 साल हो गए हैं तो सिर्फ कंप्लेन ही मिलेगी। वही तो जा रहा हूँ मैं सर। मैम प्लीज सुची जी आप बताइए, सुची जी आप एक कंप्लेंट बताइए, सिर्फ एक बैड क्वालिटी ऑफ प्रशांत जी, बस अगर आपका मन है बताने का, अदरवाइज आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। एक कहाँ आपको 10 मिलेगी। अगर बताना चाहती हूँ प्लीज। नहीं है कोई। अच्छा, मुझे आपने बच्चा के किया, मुझे लगा बच्चा, मैं कहा नहीं ये तो नहीं। ठीक है ठीक है, फादर डे है तो आज सर प्रशांत जी है तो आज मुझे बख्श दिया है। वो तो नीचे भी बख्शा गया, एक बंदे को और बख्शा गया जो जो कनाडा से देख रहे हैं बेचारे। I will tell you प्रशांत जी, इंडिया में पापाओं को ज्यादा रिस्पेक्ट मिली नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, कोई बहुत ज्यादा माँ के ऊपर सारे गाने बने हुए हैं, ठीक है, माँ के ऊपर देखो आप गाना सुनो कि तुझे सब कुछ पता है ना माँ, बहुत प्यारा गाना है। अब पापा के ऊपर अगर आप बहुत अच्छा गाना सुनोगे तो वो होगा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा है बेटा हमारा काम, पर आगे आखिरी मिला सुनना मगर ये तो कोई ना जाने। पापा को तो पापा को वहां पे भी छोड़ रखा है, ठीक है, एकदम सही है, तो है ना, तो वाली बात है। बट मैम कोई बात नहीं, आप फादर्स डे एंजॉय कीजिए सर, बिल्कुल भी। सुजीत जी कोई बात नहीं, ये देखो ये होती है कमिटमेंट। पंकज श्वेता जी, आप श्वेता जी आपको पता होती ना बता देते कमी, पर देखो उनको पता भी तभी नहीं बताई, ये होता है एक्सपीरियंस शादी का। समझ रहे हो, कह रहे तेरा है पर मेरा है, ऐसी एटीट्यूड ये चाहिए जिंदगी में। बताने को तो पूरी लिस्ट रखी है और उनके रटी हुई, इनको भी लूप पे अगर मैं मीटर ऑन कर दूं ना इनका मीटर तो लूप पे सुनाएंगे, लूप पे कि मुझे देखने के लिए, मुझे देखने के लिए इतने बिलियनर्स की लाइन लगी थी, बट तुम्हें चुना मैंने, तुम्हें। मेरे पापा ने तो कहा था कि तुम्हारे को मैं इससे अच्छा लाके दे दूंगा, पर मैंने कहा नहीं मुझे सस्ता वाला टॉय चाहिए। पापा तो मुझे हुल्कोगन दे रहे थे, हुल्कोगन हुल्कोगन दे रहे थे, तुम ही टेडी बियर में खुश हो गए, स्टफ टॉय में, स्टफ टॉय में खुश हो गई। अनुज भाई क्या करते हो आप, पीछे बहुत अच्छी वॉल बनाई हुई है और बहुत सारी उस पर चिपकाई हुई है आपने पोस्टर्स, मुझे इस तरह की वॉल्स बहुत अच्छी लगती है, क्या करते हो बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में? सर दुनिया को बताने के लिए यूपीएससी एस्पिरेंट हूं और बाकी घर पर बैठा रहता हूं। तो दूसरा वाला ही मानते हम। और कौन सा अटेम्प्ट आपका ये? सर थर्ड। कितने होते टोटल? पांच होते हैं। तुम्हें ये नहीं पता निरुद्ध क्या कर रहे हो तुम? अब तुम्हारा का दो बार में क्लियर नहीं हुआ ना, तीन बार में क्लियर नहीं हुआ हो तो उसका रीजन इनको पता लग चुका अपने आप। ठीक है आगे बढ़ते हैं, कोई बात। आप आए पहले शो में आए हो शायद? नहीं ये मेरा पहला शो है, मेरी बहन ने एक्चुअली गिफ्ट किया है तो इसीलिए। ओह माय गॉड, से थैंक्स, थैंक्स टू योर सिस्टर, उन्होंने बहुत ही अच्छी चॉइस है उनकी, बोलता ना उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक भाई क्या करते हो? अभी जॉब कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। यार ये अच्छी जॉब है, आपने जिंदगी पकड़ी है। पर अभी कहाँ कर रहे हैं, कहाँ 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 पोस्टेड हैं आप? नहीं मैं यहाँ जर्मनी में हूँ, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट। ये हर इंजीनियर का सपना जी रहे हो आप। अभिषेक वहाँ पे लाइफ अच्छी है, कूल है, सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग इज कंट्रोल, लाइक करो ना। हाँ तो सब नॉर्मल, सब नॉर्मल है, सब मोस्टली सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, सब बाहर सही चल रहा है।
नहीं चल तो हमारे भी सही रहा है सब कुछ नहीं मतलब यहाँ मन में भी सब सही है, यहाँ पर अभी स्कूटर पे 3 दिन लड़के बैठे जा रहे हैं अब या फ्रीडम ऑन स्कूटी मिल चुकी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ना मिले पर स्कूटी मिल चुकी है, फ्रीडम ऑन स्कूटी बट कोई नहीं, चले कोई पंकज जी 4 महीने हुए हैं अभी तो कॉम्प्लीमेंट की बात, कॉम्प्लीमेंट की रात ही चल रही होंगी जब मैं अच्छी दिखती हूँ चक चक बोल देता है, पता नहीं उसका मतलब चक क्या चक, चक गायो आप चक लग रही हो बोल देता है श्वेता जी एक ना क्यूटनेस की भी सीमा होती है पर कोई बात नहीं, आप एग्री करना इस बात से, इस पूरे समाज में अगर समाज के लिए मिलन सुमन भाग रहा है तो पूरे समाज का दर्द लेके एक बंदा भाग रहा है, वो है बी पराग ऋषभ भाई अति मचा रखी इस आदमी ने, नदिया किनारे हो दिल के हो किनारे हो, भाई साहब मर गए आदमी उस बंदे ने गाया मिट्टी मिल जाओ, मैंने मिट्टी की चाटनी शुरू कर दी थी भाई, इतनी हद तक आ गया था मैं शिद्दत देख रहे हो उस गाने में, शिद्दत कितनी है उस गाने में भाई ऐसा, और इसकी शक्ल देखो ना, अगर शक्ल देखो तो गुरु चेला आती थी बीच में टॉफी, गुरु चेला ऐसा लगता है गुरु चेला जैसा जिनको पता है गुरु चेला उनको पता है, जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोनों तरफ से एक होता है ठीक है मैं क्वेश्चन नहीं है, मैं एक्सपीरियंस दे रहा हूं आपको, आपका जब भी मेरे पास यूट्यूब पे आता है ना सब्सक्राइब के बाद बैलेंस आता है कि एक नोटिफिकेशन की आपकी वीडियो रिलीज हुई है, मेरी कोशिश रहती है पहले 1 घंटे के अंदर वीडियो देख लूंगा, मेरी कोशिश रहती है, और थैंक यू ब्रदर इसके लिए, मतलब इस शो के लिए मैंने सोचा था कि मैं नवी जॉब में अभी मैंने एनरोल किया है लंदन के अंदर, तो मैंने सोचा था इस जॉब की पहली सैलरी आने पे मैं टिकट, अरे यार ब्रदर यार ये मैं बता रहा हूँ मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी से देखो मैं 7 साल मैरिज शो आपका सारा मैरिज शो नहीं, मेरा मैरिज का शो नहीं हुआ, मेरी शादी हुई है, आपने मुझे उस छोटे से मग्गे के रिम के ऊपर लिखा मेरा नाम आपने, और आपने वो फुलफिल किया, आई एम हैप्पी एंड आई जस्ट विश कि मैंने आपको उतना एंटरटेन किया हो जितना आपने मुझसे उम्मीद रखी हो, आई शो यू अ नॉट कि मैंने अपना सारे संडे के शेड्यूल बनाए हुए हैं नेक्स्ट 3 मंथ के, और उसके अंदर मैंने देखा कि इन्होंने रखा है कि अगर आपका शो आएगा मैं हमेशा लगाऊंगा, अरे भाई अर्पण तुम मुझे लग रहा है कि तुम इलॉन मस्क के बाद तुम ही इतने बिजी आदमी लग रहे हो मुझे, काशवी प्लीज कश्मीर, अरे कश्मीर की गली बताओ कभी वेकेशन का लास्ट डे है, कभी स्कूल का वेकेशन चल रहा था, आप स्कूल में हो काशवी, कौन सी क्लास में हो आप, स्टैंडर्ड हैं पहली बात तो तुम्हें मैंने जितनी इज्जत दी है वापस करो मैं आदिति देख रहा हूँ जी जी करके बात कर रहा हूँ, मैंने कहा काशवी काशवी जी कैसी आप है, कैसी हो 10th क्लास में, काशवी आई एम जस्ट विशिंग यू ऑल द बेस्ट, 10th आपकी क्रॉस हो गई है मतलब, क्योंकि 10th के बोर्ड तो हुए नहीं इस बार, होंगे भी नहीं, आप तो नकली 10th वाले हो, नकली 10th पास आउट हो आप काशवी, आप म्यूट हैं तो म्यूट है शायद, नहीं नहीं कोई बात नहीं काशवी, मैं सीबीएसई की तरह रिएक्ट कर रहा हूँ कि आपकी आवाज दबा दी मैंने रेडी जी प्लीज, हाँ हेलो, सो एक्चुअली मेरा भी एग्जाम चल रहे थे, शुरू होंगे अगले हफ्ते से, किस चीज के एग्जाम है बताओ आपके, 10th के, आपके 10th के हैं, किसके हैं आपके भी आपस बोला 10th डर जाएंगे हम लोग यार, ऋषभ तुमने अगर 10th बोल देते ना, मैं कहा भाई 10th बोल देते, ऋषभ ने चाकू निकाल के नस काट ली थी नीचे नहीं, नहीं। इसने पीछे वाली दीवार पे लिख देना था तुम्हारा नाम मेघाना, मेरा खून का, मेरे खून का असली रीजन नहीं, नाम मेरा प्रभात है, मेरे बहन का नाम मेघना, अच्छा प्रभात प्लीज बताइए थोड़ा बताइए प्लीज, क्या क्या किस चीज का आपका वो है आपका एग्जाम, तो अभी मैं इधर एक्चुअली मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मास्टर्स का एग्जाम है, गणित का एग्जाम है अगले हफ्ते से, सो उससे पहले मैं बहन को बोला कि थोड़ा टेंशन ज्यादा है, तो उसने आपका शो का टिकट गिफ्ट कर दिया, तो अभी एग्जाम के बाद फिर से आऊंगा, अरे पक्का पक्का एग्जाम अच्छी तरह पूरे मतलब दही चीनी वो क्या था मैं दही चीनी खा के जाना एग्जाम में ठीक है, और गणित में उत्तीर्ण हो के आना,
भैया दो चीजें, पहले तो आपको थैंक यू इसलिए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं दूसरा चीज आपके पीछे गाड़ी अच्छी लग रही, कहाँ से ली है? कहाँ से ली है? मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से, मैं टार्जन हूँ। अनिरुद्ध शो में इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे लोग कि मैं जिंदगी में तरक्की कर रहा हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ, गाड़ी कहाँ से ली? अनिरुद्ध अनिरुद्ध मार्केट से मिलती है, आप आराम से ले सकते हो, अगर आप चाहो तो अमेजोन से भी ले सकते हो। बाकी बाकी देखो अच्छा है, अगर आप अच्छी पढ़ाई वढ़ाई कर लोगे तो आप असल में ओरिजिनल खरीद लोगे आप। That's a good one. हाँ बट कोई बात नहीं। हाँ अनिरुद्ध कोई और सवाल आपका, कोई और सवाल भाई? नहीं नहीं थैंक यू भैया, बस ये पूरा शो का मूड खराब करने के लिए ये दो सवाल थे आपके पास। यो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सीरियसली ले लो, हमें लगे नहीं आप सीरियस बिल्कुल भी। आपको बताओ बाकी लोग बता रहे हैं आपको कि 6 अटेम्प्ट होते हैं, आपको पता नहीं था 5 अटेम्प्ट में होते हैं, आपको पता नहीं था अटेम्प्ट के बारे में। अच्छी बात नहीं है ये, मैं बता दूं यूपीएससी वाले पेपर के ओम बना के ओम बनाने के पैसे नहीं, नंबर नहीं देते आपको। हाँ वो साई कृपा हो जाए वहां पे, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, वो आपको पास करना पड़ेगा। बट थैंक यू अनिरुद्ध भाई। एक्चुअली सर वेडिंग एनिवर्सरी टुडे तो हम मैंने गिफ्ट में दिया, हमें बहुत मजा आया, थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू जस्ट हैप्पी एनिवर्सरी एंड आप खुश रहें इसी तरह से वो करें। बाकी श्वेता जी जो भी डिसअपॉइंटमेंट है देखो वो तो आपकी जिंदगी में रहती है, ठीक है। ये दोनों भाई रंगा बिल्ला भाई, सबसे पहले तो भाई टाइट्रेशन क्या होता है? अच्छा तुम थे वो आदमी टाइट्रेशन, तुमने टेंथ के बाद स्कूल गए हो, तुम कभी स्कूल की बिल्डिंग देखी, स्कूल कैसा होता है? भाई भाई गए थे यार, कॉमर्स के है ना यार, मतलब टेंथ में भी होती है टाइट्रेशन जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब होती है ना, टेस्ट ट्यूब पता है? टेस्ट ट्यूब में बच्चे भी होते हैं आजकल, वो अलग नहीं, वो अलग है। तो टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर ऐसे पानी बनाते हैं हम लोग, लाल हरा नीला पानी मिक्स करके गोलगप्पे का पानी नहीं। ये अलग पानी होता है। आज तो इतनी मेहनत, तुम्हारे पास गूगल है तो हमेशा जरूरी नहीं है कि इनकॉग्निटो मोड इस्तेमाल किया जाए, नॉर्मल मोड में भी आप देख सकते हो चीजें दुनिया के बारे में। भाई गूगल इतना आसानी नहीं है यार। सर आप इतनी अच्छी आयुष एक सेकंड पहले आप कैमरे नीचे रखो, आपके नाक के बाल देखने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ आप ठीक है, आप दूर, मैं तो कह रहा हूँ तुम दूसरी बिल्डिंग से बात करो, सामने वाली बिल्डिंग से आके। हाँ प्लीज प्लीज बोलो। आप इतनी अच्छी कॉमेडी करते हो सर, आप इसका पोस्ट क्यों नहीं निकालते हो, ऐसे हम लोगों को सिखाओ आप। क्या निकालू? यूपीएससी का कोर्स निकला पड़ा है, कर रहे हैं लोग। आयुष आपका सवाल पूछिए। जयदेव भाई प्लीज पूछिए। जयदेव मैंने चैट में लिख दिया है जिसको पढ़ना। अच्छा लिख दिया आपने। हाँ देख रहे हो ये होते हैं स्टूडेंट स्कूल के टॉपर। भाई टॉपर हम भी है भाई, लेकिन कॉमर्स के है ना। जिसने भी बोला कि वो कॉमर्स का टॉपर है, I don't care. Even I don't care, भाई. टॉपर होने के बाद भी. भाई, 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 भाई. Same to you, back to me. But नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। जादे भाई सवाल पूछो, जादे भाई पीछे पूछो सवाल कुछ। रंजित भाई यही पूछूंगा कि ये स्टार्टअप जर्नी कैसे स्टार्ट करी और स्टार्ट में जितने स्ट्रगल करना पड़ा वो कैसे मतलब खुद को मोटिवेट रखा? रोक के बताऊं या हंस के बताऊं कहानी? बताइए सार्थक, आप सबसे छोटे बच्चे लग रहे हैं मुझे। I am 15. You are 15. सार्थक सार्थक आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। क्यों? पता नहीं। अगर आप में से मेरी बात से लगती हो, पता है ये जो इनोसेंस है ना, इनोसेंस ये हमारे चारों से जा चुका है। सही है। हाँ ये इनोसेंस है। सार्थक सार्थक कुछ सवाल पूछिए प्लीज, सवाल पूछो पहले अपना। सर आप YouTube चैनल क्यों नहीं खोल लेते? हाँ खोलूंगा मैं। सार्थक सार्थक आप बायजू ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? बाय डैड जूनियर।
सार्थक ये क्या सवाल नहीं अरे कोई बात नहीं सार्थक बाकी कॉमर्स लेना तो हमारे जैसे टॉपर बन जाना कभी नहीं होगा ये कभी नहीं होगा ये कभी नहीं होगा ये ज्यादा ज्यादा दिक्कत है कॉमर्स में तुम्हें लोगों ने पत्थर मारे क्या रोड पे जो हर बात पे कह रहे हो कॉमर्स वालों को दिक्कत हो गई अरे आप नहीं मिलती है एक्चुअली हाँ तो इसका मतलब है ना रीजन तुमने इज्जत कमाई नहीं है हमने कमाई है हर जगह बता जा रहे हो कि इंजीनियर कॉमर्स वो बंदे ने खुद बोला मुंह पे थूका है तुम्हारे कह रहा नहीं करनी मुझे कॉमर्स 15 साल का बच्चा बेचारा नागपुर से बेचारा बेइज्जती कर रहा तुम्हारी सार्थक यू कंटिन्यू डोंट वरी सर आपका नेक्स्ट शो नागपुर में कब है भाई अभी टाइम है जब कोरोना ठीक हो जाएगा तब जाएगा बाकी ऐसे तुम्हारे आसपास जगह दो बुजुर्ग बैठे हो ना या आशुतोष की तरह बुजुर्ग बैठे हो कहीं आसपास मैंने अवॉइड क्या करूं नहीं मैं ध्यान ही नहीं देता हाँ बिल्कुल तुम्हारे तुम्हारे पक्का सर सार्थक थैंक यू फॉर कमिंग एंड ऑल द बेस्ट ठीक है बाय बाय अभी कौन है प्रशांत जी आपका सवाल पूछिए प्रशांत जी आप ही हमारे बीच में है प्लीज सवाल पूछिए आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन अरे देयर इज नो क्वेश्चन ओके ओनली आंसर्स It was a very good show. अरे thank you sir. Thank you. आप देख रहे हो सर कि देखो हाँ please. आपके वीडियोस देखे हुए हैं YouTube पे काफी अच्छे हैं. और this was a very good Father's Day gift. अरे thank you sir. आपको अच्छा लगा? I'm totally touched. आप कभी US आइए मिलते हैं. I'm just wishing you all the best. आप इसी तरह से खुश रहें और smile करते रहें और शादी के बाद जो दुख हैं वो तो आप पीते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं उसके तो. We know each other for 22 years. Good, we sir. are married for 17 years and we are still lovebirds. Wow, sir. Good. Give a great applause. Give a great applause. थैंक यू सर ये जज्बा चाहिए हमारे पास कि अगर बहुत लोगों में आ जाए एंड इसी तरह से लाइफ को एंजॉय करना चाहिए पंकज श्वेता जी देख रहे हो तो मुझे याद आ गया आप, एक तो याद आ गई एक बुरी आदत पंकज की बताओ बताओ दो बस या प्लीज पंकज ना नहाने के बाद जो गीला टॉवल होता है वो भी दरवाजे के पीछे लटका देता है कपड़ों के अब रुको सर रुको साल के बाद हम भी यही करते हैं और आप प्रशांत जी बाहर सुखाने जाते हैं फिर बाद में गीला टॉवल कौन दरवाजे के पीछे लटका बाल, बाल सुखाने जाते हैं बाल सुखाने प्रशांत जी आई विल कम टू यू जैसे नहीं है अभी श्वेता जी आपने तो ये बहुत नॉर्मल बात बताई मैं इस बात के अंदर थोड़ा इसको मैं इलैबोरेट करता हूँ पंकज जब आप तौलिया यूज करते हैं तो आप वो जो तौलिया आप नहाने के लिए यूज करते हैं उसको कितने दिन में धोते हैं ये बताइए हाँ जिसने बोला धोना होता है आपको बता दूं कि अपनी बॉडी पे रगड़ने से धुलता नहीं है तौलिया ये बता दूं ये मैकेनिज्म काम नहीं करता तौलिया के ऊपर पहली बात चलो एक बंदे को पॉइंट क्लियर है पंकज आप बताइए पहले प्लीज नहीं जब वॉशिंग मशीन में जाता है तब जाता है जब तीन चार अरे कितनी बार में जाता है वॉशिंग मशीन में अपने थोड़ी खींची चला जाता होगा तुम भी चले जाओगे खींच के ऐसे तो ना दो तीन दिन में चला जाता है दो दिन में तुम धो लेते हो अपना हर बार और ये पहले भी शादी से पहले भी धोते थे ऐसे तीन चार दिन में नहीं नहीं वो नहीं उस टाइम वॉशिंग मशीन यूज कहां करते मैं नहीं जाता मैं तो मतलब पंकज दहेज में आइए वॉशिंग मशीन ये कहना चाहते हो सीधा एक्चुअली रजत भाई आपके काफी वीडियोस देखे थे मैंने काफी पसंद है और काफी फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी होती है तो बहुत मजा आता है और काफी टफ टाइम चल रहा था लास्ट मंथ में प्रिया का और मेरा भी मतलब काफी दोनों के घर में वगैरह ऐसा कुछ तो फिर एक लाइट आप अपने बताओ प्रियंका से तो प्रिया से मैं खुद पूछ लूंगा कि क्या इतना टफ फेस था ये जो हम बन के तुम जो एटीट्यूड लेके आते हो ना कि हमारा बहुत टफ फेस चल रहा था हमारी जिंदगी में परेशान थी माही वे दैट्स वे माही वे जो ये आप जो बार बार ये जो हाँ हाँ प्लीज आगे आगे हाँ सुनिए तो मेरा मतलब थोड़ा टफ टाइम थोड़ा चल रहा था मतलब पेशेंट तो देखने ही पड़ते लेकिन बाद में जो अदर स्ट्रेस रहता है तो वो रिलीव करने के लिए काफी हेल्पफुल है और मजा आया काफी जब ना एक्चुअली एक हमेशा ना कपल जब कोई भी आते हैं दो तीन लोग बैठते हैं कभी शो में ना तो एक शो होता है जो दिखा रहा होता है कि तुम अरे पता है मुझे भाई तुम बहन भाई हो मैं श्राप देता हूँ तुम्हें श्राप सच में
मेरी गर्लफ्रेंड नेक्स्ट शो पे आएगी, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ है, ये देख लो भाई एक बार क्लियर कर। चलो दोस्तों शो अंत करते हैं। इससे पहले कि हम रिश्ता क्या कहलाता है सुने, और आप कह रहे थे ना कि दो तीन लोग जब बैठे होते हैं तो कोई एक लेकर आया होता है, तो आपको क्या लगता है हम में से कौन लेकर आया है? और मतलब ये सवाल मैंने आपको इतना गौर से देखा बट मुझे सर लग रहे हैं, आता सर लग रहे हैं इंटरेस्टिंग। आप नहीं, एक्चुअली वो मुझे लेके आई है। आप इसका लास्ट वीक आपका एक वीडियो देखा था जिसमें यही था, ऐसे ही ऑनलाइन शो था, ऑनलाइन शो था, ओके, क्या था कि आपको क्या लगता है कौन आया, तो वो एक वो अपनी मासी को लेके आया था। ओके अच्छा अच्छा ओके 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 हां, भी खेलते या सबको लोग गेस करते तो भी कर पाते, तो वो इतना हंस रही थी, उसके बाद हमने कंटिन्यूअसली आपके वीडियोस देखे। अरे थैंक यू सर दूसरे को जैसे कभी आपका मन करे किडनी बेचनी है तो सपने ले आपके पास, कभी आपको कॉमर्स की काउंसलिंग करनी है, कभी आपको जानना है कि मैराथन के 10 किलोमीटर के मैराथन के बाद पति क्या खाता है, तो कविता जी हमारे पास, ठीक है, और क्या हो जाता हमारे पास, और बाकी वो यूपीएससी वाला भाग गया, पढ़ने चला गया, वो पढ़ने तो गया नहीं, मुझे भी पता है वो। अब देखो अब हमें पता, बाद में पता लगा, आपको पता लगा था आपको कि शक्तिमानी गंगाधर है, उसका बॉयफ्रेंड कौन निकला बाद में देखा, आपको पता था कहानी। इतना इतना पूरा एक घंटा, आप ये सोचो कि मैं ये वीडियो डाल दूं नेट के ऊपर, तो बेचारो जिन लोगों ने शो देखा था पहले, जो जो निकल गए बीच में शो से, उनके लिए कितना शौक होगा, कह रहा ये था। सही बोला, वो तो नसी काट लेंगे ना, अपनी नसी काट लेंगे ना बाद में। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ प्रिया जी, बरामद मानिए, आप चिल गई है प्रिया करी, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, बट वैसा वाला बात है। तो ये होता है कि थोड़ा सा मजाक हो गया। अब प्रशांत जी अलग अलग एज के हैं, आप ये देखिए कि यहाँ पे एक 10th क्लास का बच्चा भी है और आपकी एज के भी और हमसे बड़े भी होंगे, और कई बार क्या होता है कि बहुत दादी एजेड और मतलब आंटीज भी आती हैं, दादी भी आती हैं, एंड मुझे सबसे बात करने बड़ा मजा आता है, तो एक फन है। अंकित अमित तिवारी, तुम आखिरी तक ब्लूटूथ लेके बैठे रहे, ये कमिटमेंट है तुम्हारी।